इस वीडियो के अंदर हम लोग फ्लाई करने वाले हैं ड्रोन को, लेकिन ड्रोन को जो फ्लाई करेंगे बहुत ही ओपन फील्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी फील्ड कितनी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अपना बड़ा प्लेग्राउंड है, बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बस उतना ही है। तो आइए दोस्तों अपने ड्रोन को टेक ऑफ करते हैं और देखते हैं भाई कितनी ऊपर तक जाता है। बैटरी तो बहुत ही ज़्यादा कम है, देखेंगे कितनी ऊपर जाता है। आइए दोस्तों फिर इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद ही जानेंगे दोस्तों ये पार्ट टू है, पार्ट थ्री रहेगा, कितने पार्ट्स हो गए कि मेरे को खुद नहीं मालूम। तो आइए दोस्तों फिर इसको टेस्ट करते हैं। पर आपको मीडियम ट्रॉटल देना है, यहाँ पर मैं एकदम मीडियम ट्रॉटल देके एकदम हाइट सेट कर रहा हूँ और उसको सबसे ऊपर लेके जाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितनी ऊपर जा रहा है, यानी कि अक्सर अपना ड्रोन बहुत ही ऊपर जा सकता है, लेकिन अपन को कंट्रोल करने भी आना चाहिए। यहाँ पर मेरा लैपो बैटरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर वीक है, इसके लिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा फ्लाई कर रहा हूँ, लेकिन आपके सेटिस्फाई के वास्ते मैंने ड्रोन को काफ़ी ऊपर भी जाकर टेस्ट किया है तो भी आराम से फ्लाई कर रहा है। अगर आपको ऐसा टेस्ट बिल्कुल भी मत करना है, बहुत ऊपर नहीं भी जाना है, बस आपको आराम आराम से जितना मैं फ्लाई कर रहा हूं उतना ही आपको फ्लाई करना है, स्टार्टिंग के बिगनर है तो। मैं एक प्रोफेशनल पायलट हूँ, इसको मैं ज़्यादा भी ट्रॉटल दे सकता हूँ, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आप बिगनर है तो मत दो, नहीं तो आपका ड्रोन डेफिनेटली क्रैश भी हो सकता है। यहाँ पे मैं एक प्रोफेशनल पायलट हूँ, इसको ज़्यादा ट्रॉटल भी दे सकता हूँ। से तो अंदाजा लगा सकते होंगे कि केके फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर कितनी ज़्यादा अपन को स्टेबिलिटी मिलती है, बस अपन को कंट्रोल करने को आराम से आना चाहिए, उसके बाद आप आराम से ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर तक अपना ड्रोन जा चुका है, यानी कि बहुत ही ऊपर जाके आ रहा है, लेकिन इसका बैटरी अभी तक लो है, कितना उड़ता है देखेंगे नहीं।